टॉप बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन इन 2021। तो यार अगर आपको 2021 में लाइक कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए एंड अगर आपका बजट 9000 ऐसी प्राइस रेंज की बात करेंगे तो बात करते हैं नंबर फाइव की। बात करने से पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज मैं आपको स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन भी बताऊंगा, गेमिंग के लिए भी बताऊंगा, कैमरे के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। तो अगर आपको स्लिम एंड स्टाइलिश डिजाइन चाहिए, कैमरे के अकॉर्डिंग चाहिए या अगर आपको लाइक गेमिंग प्रोसेसर चाहिए, आप सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाली है। तो बात करते हैं नंबर फाइव की बात करूँ। नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है पोको C3 को। तो सबसे पहले भाई अगर आपका बजट 9000 से बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब अगर आपका बजट 8000 से भी थोड़ा सा कम है, तो ये स्मार्टफोन भी आपको लाइक 7500 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। अगर आप ऑफर्स वगैरह लेते हो तब तो आपको नॉर्मली ये 7500 के प्राइस रेंज में मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ इसके स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 6.43 इंच की IPS LCD देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको हीलियो G35 देखने को मिल जाता है, जो 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, ठीक है। स्टोरेज की बात करूं आपको 3GB रैम मिल जाती है प्लस 32GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करूं आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, 10 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूं आपको 30MP प्लस 2MP प्लस 2MP आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है। सेल्फी की बात करूं आपको 5MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं अगर आप ऑफर्स वगैरह में लेते हो या अगर आप ऑफ में लेते हो तो इसका प्राइस आपको 7500 के प्राइस रेंज में पोको C3 देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया पोको C3 के। तो भाई अगर आपने नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है पोको C3। एंड भाई अगर आपको बिग बैटरी चाहिए आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है पोको C3। अगर आपका बजट कम है आप इस स्मार्टफोन के और जा सकते हो, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ। नंबर फोर पर यार मैंने रखा है माइक्रोमैक्स N1B को। तो सबसे पहले भाई अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूँ, ये स्मार्टफोन आपको लाइक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन मिल जाता है। तो भाई अगर आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए या फिर अगर आपको मेड इन इंडिया स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है माइक्रोमैक्स N1B। ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, ठीक है, 2GB रैम के साथ 4GB रैम के साथ। स्टोरेज वेरिएंट भी आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, प्लस आपको इसके साथ डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, तो स्टोरेज का पंगा ही नहीं रह गया। ये जो स्मार्टफोन आपको 8000 के बजट रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपका बजट भी कम है, नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए एंड भाई अगर आपको एक लाइक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन चाहिए, आप सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाली है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.52 इंच की IPS LCD देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को हीलियो G35 देखने को मिल जाता है, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। स्टोरेज की बात करूं आपको 2GB रैम देखने को मिलेगी प्लस 32GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो भाई अगर आप 8000 के बजट रेंज में इस वेरिएंट के साथ जाते हो तो आपको लाइक 2GB रैम देखने को मिल जाती है। बैटरी की बातों को 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 10 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। कैमरे की बातों को डुअल कैमरा मिल जाता है। सेल्फी की बातों को 8MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं आपको 8000 के बजट रेंज में प्रॉक्स देखने को मिल जाता है माइक्रोमैक्स N1B। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए या मेड इन इंडिया चाहिए तो तभी आप इस स्मार्टफोन की ओर जाना, बिकॉज जो मैं आगे आपको फोन बताने वाला हूँ वो इससे भी बहुत तगड़े होने वाले हैं। तो भी आगे बात कर लेते हैं नंबर थ्री पर मैंने रखा है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस को। तो यार बहुत ही डिमांड में रहा है, बहुत लोगों ने परचेज़ किया। अगर आपने भी स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो। आपको 6000mAh की बैटरी इसमें भी देखने को मिल जाती है, फिंगरप्रिंट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। प्लस मैं आपको ये चीज़ कह देना चाहता हूँ, लाइक अगर आपको बिग बैटरी चाहिए ये स्मार्टफोन भी आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है। एंड इसकी कैमरा क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है। तो भाई अगर आपने पिक्चर्स वगैरह क्लिक आउट करनी है या पिक्चर्स क्लिक आउट करने के शौकीन हो, आपके लिए भी परफेक्ट डील होने वाली है। मैं दो चीज़ें आपको बता दी, अगर आपको बिग बैटरी चाहिए एंड भाई अगर आपको फोटोज अच्छी क्लिक आउट करनी है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकते हैं। कलर वगैरह इसके प्यारे देखने को मिलते हैं, 4 कलर्स में देखने को मिलता है, जो भी कलर आपको सही लगता है आप उसके और जा सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.82 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को हीलियो A25 देखने को मिल जाता है, जो कि एवरेज प्रोसेसर है, ठीक है, गेमिंग के लिए मैं इतना आपको परफेक्ट नहीं कह सकता। स्टोरेज की बातों को 3GB रैम मिल जाती है प्लस 32GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बातों को 30MP के साथ कैमरा मिल जाता है। सेल्फी की बात करूँ आपको 8MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ आपको 7000 से लेके 8000 के बजट रेंज में प्रॉक्स देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस के। मैं आपको ये भी सजेस्ट इतना नहीं करने वाला, मैं जो आगे बताऊंगा वही सजेस्ट करूंगा। नंबर 2 की बात करते हैं।
नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पर यार मैंने रखा है रियलमी स्मार्टफोन। नंबर टू पर एंड नंबर वन पर, दोनों पर मैंने रियलमी के ही स्मार्टफोन रखे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रियलमी नार्जो 20A की, एंड मैं बात कर रहा हूँ रियलमी नार्जो 30A की। ये दोनों स्मार्टफोन आपको परफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। लाइक अगर आपका बजट 8,000 है, अगर आपका बजट 9,000 है, इसी प्राइस रेंज में रियलमी बहुत ही ज़्यादा सही गुड डील प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। तो भाई अगर आप भी उनमें से आते हो, लाइक जिनको लाइक 8,000 से लेकर 9,000 के प्राइस रेंज में स्मार्टफोन चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ Realme ब्रांड की, और आप जा सकते हो Realme Narzo 20A भी, बहुत ही ज़्यादा सही है। 4K वीडियो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपने जाना है Realme Narzo 30A की, और उसका डिज़ाइन, उसके लुक वगैरह भी बहुत ज़्यादा अपर है, एंड उनकी कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, प्रोसेसर उसमें गेमिंग मिल जाता है। अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, आप सभी के लिए बेस्ट है। अगर आपको स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए, बिग बैटरी चाहिए, आपके लिए भी ये दोनों फ़ोन परफेक्ट डील हो सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपके प्राइस रेंज में सेट बैठता है, जो भी सही लगता है आपको उस स्मार्टफोन की, और जा सकते हो। अभी बात कर लेते हैं दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले बात करते हैं Realme Narzo 20A की। यार डिस्प्ले की बातों को 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों, इसमें आपको स्नैपड्रैगन की ओर से प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो भी अगर आपने गेमिंग करनी है, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हो, आप नॉर्मली इजिली कर सकते हो। स्टोरेज की बातों को 4GB रैम देखने को मिल जाती है, प्लस 64GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं, आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है, आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूं, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल के साथ, प्लस आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं, आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बातों को 8,000 से लेके 9,000 के प्राइस रेंज में Realme Narzo 20A देखने को मिल जाता है। तो मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme Narzo 20A के। अभी बात करते हैं Realme Narzo 30A की। तो यार डिस्प्ले की बात करूं, इसमें भी आपको 6.5 इंच की IPS LCD देखने को मिलेगी। इसमें आपको MediaTek Helio G85 देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग प्रोसेसर है। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग वगैरह करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है। 6000mAh की बैटरी मिल जाती है। अगर आपको बिग बैटरी चाहिए, आपके लिए भी परफेक्ट है। 18W का आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है, रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करूं, आपको 30 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको 4K ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन इसकी जो पिक्चर्स क्वालिटी है वो बहुत अपर मिल जाती है, लाइक प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। सेल्फी की बात करूं, आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है। स्टोरेज की बात करूं, ये 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 3GB रैम के साथ, 4GB रैम के साथ, एंड स्टोरेज वेरिएंट भी आपको डिफरेंट मिलेंगे। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस आपको 9,200 के प्राइस रेंज में Realme Narzo 30A देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme Narzo 20A के भी, एंड मैंने आपको बता दिया Realme Narzo 30A के भी। तो भाई अगर आपका बजट 9,200 है, तो Realme Narzo 30A आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, एंड वो 2021 मॉडल है। एंड भाई अगर आपका बजट कम है, 8,000 अगर आपका बजट है, या अगर आपका बजट 8,500 है, तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है Realme Narzo 20A। इन दोनों फ़ोन में से जो भी आपने लेना, आप ले सकते हो। जो मैंने आपको पहले फ़ोन बताए, वो मैं आपको इतने सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज इसी प्राइस रेंज में Realme आपको गेमिंग प्रोसेसर प्रोवाइड कर देता, उसके बाद आपको बिग बैटरी प्रोवाइड कर देता है, कलर डिजाइन वगैरह बहुत सही है, एंड कैमरा क्वालिटी में आपको अपर मिल जाती है प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है यार खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों की भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के साथ। थैंक यू।